मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा वैक्सीनेशन अभियान, इसी कड़ी में सिंगरौली जिले में भी 200 मतदाता केंद्रों पर आज 21,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ये वैक्सीन अभियान चुनाव की तरह मनाया जा रहा है। कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सामाजिक दूरी, सैनिटाइजर आदि सामान्य दैनिक व्यवहार का पालन करना जरूरी है, पर कोरोना वायरस के लिए सबसे महत्वपूर्ण व प्रभावी उपाय वैक्सीन लगवाना है, जिसे देखते हुए सरकार ने यह बड़ा निर्णय लिया है। सिंगरौली भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने जिले वासियों से अपील करते हुए कहा है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वैक्सीन लगवाएं, ताकि कोविड की तीसरी लहर आने से पहले सभी लोगों को वैक्सीन लग जाए। भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने कहा कि प्रशासन एवं भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार लोगों को वैक्सीनेशन कराने की अपील की जा रही है। जिला अध्यक्ष गोयल ने यह भी कहा है कि वैक्सीन सेंटर में लोग बड़ी संख्या में जाकर वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। आज पूरे देश में टीकाकरण अभियान एक महाअभियान के रूप में इसकी शुरुआत की गई। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 18 प्लस के लोगों को मुफ्त में टीकाकरण करने की जो योजना आई, आज इस मध्य प्रदेश में हमारे सिंगरौली जिले में आज के दिन 21,000 लोगों को टीकाकरण करने का हमने लक्ष्य रखा। मैं अपने सिंगरौली वासियों से यह अपील करना चाहता हूं कि आप सब लोग बढ़ चढ़ करके आगे आकर के हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो या इस क्षेत्र का समाज सेवी बुद्धिजीवी वर्ग का व्यक्ति हो, वह अपने अड़ोस पड़ोस अपने मोहल्ले में लोगों को प्रेरित करे और लोग आकर के टीकाकरण कराएं, क्योंकि पूरे देश में दो चरणों में कोरोना वैश्विक महामारी से हम सब लोग गुजर चुके हैं और तीसरे चरण की भी बातें सुनने को मिलती है। अगर तीसरी लहर आने के पहले हम सिंगरौली जिले में एक इस अभियान के तहत पूरे एक माह के अंदर इस सिंगरौली जिले को कोरोना टीका युक्त करेंगे, ऐसा मैं आप सबों के माध्यम से अपने सिंगरौली वासियों से यह अपेक्षा करता हूं कि आप सब लोग इस टीकाकरण का कराएं, जिससे कि आने वाले किसी भी लहर का असर आपके ऊपर ना पड़े।